मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते की अफवाहों की वजह से सारे लड़के भाग चुके हैं, पहले ही बहुत कम आ रहे थे और अब तो सारे ही भाग गए हैं डर के मारे कि सचमुच ही शादी हो रही है। तो मैं हैप्पी हूँ कि वरुण धवन ने आके अनाउंस किया कि वो बहुत खुश है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ फिलहाल। आई डोंट नो, इट्स वेरी हार्ड टू से व्हाट विल इंप्रेस मी। मैं एक डाई हार्ड रोमांटिक हूँ, तो जब होना होगा होगा, देखेंगे। कि वो मुझे इम्प्रेस करे या मैं उनसे इम्प्रेस हूँ, वरुण को छोड़कर फिर तो मैं क्या बोलूँ। आई एम वेरी बायस्ड व्हेन इट कम्स टू वरुण, क्योंकि ना सिर्फ उन्हें उनके डैडी ने मुझे लॉन्च किया था फिल्मों में, बट वी नोन ईच अदर फॉर सो लॉन्ग एंड आई थिंक ही इज अमेजिंग। इतना डाउन टू अर्थ, इतना सक्सेसफुल, ही इज एन अमेजिंग गाय। उस जैसे बहुत कम लड़के हैं इस इंडस्ट्री में, और ये गाना भी थोड़ा नॉटी एंड नाइस था, तो मैं चाहती थी कि जो इस इंडस्ट्री का सबसे नॉटी और नाइस लड़का हो वो ही लॉन्च करे, और उसी ने किया। तो ही इज़ द ओनली वन आई केयर अबाउट हिज ओपिनियन अ लॉट एंड आई एम ग्लैड ही वाज हियर। अच्छा, वरुण ने क्यों फीचर नहीं किया फिर इसमें, क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो लॉन्च करे, तो अगर वीडियो में होता तो ज़्यादा। Yeah, I know, that's very true, but he's been away shooting a lot and I think, yeah, who knows, maybe he'll be in the sequel. Sequel mein bhi kaafi kuch ho sakta hai. How hard is it to direct me in a video? It's not very hard. It was, she is a great singer, great performer, so we didn't have to do too much about it. She is perfect in everything. So, they can say this because my career ka second song tha when I was about baby.
when I was still studying and I had a girl band called Samsara, और मतलब यहाँ रहती भी नहीं थी, हमारा एक हिट गाना आया था हबीबी हबीबी करके, and they were the directors of that video also. तो हमारी association इतनी पुरानी है, but with time, everybody grows and everybody changes, and I think हम सबका growth इस video में नजर आ रहा है. मैं जब छोटी थी तो इट वॉज नाजिया हसन, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए मुझे हमेशा पॉप का शौक था. जिस गाने पे मैंने सबसे पहले गाया था, मैं 12 साल की थी, वो गाना था मेड इन इंडिया, मैंने उसके सारे बैकिंग वोकल्स किए थे. तो आई थिंक हमेशा मैं पॉप से जुड़ी रही हूँ, एंड इंटरनेशनली इट्स ऑलवेज बिन बियॉन्से, मराया कैरी एंड जेनिफर लोपेज. आई बिलीव अ सिंगर शुड ऑल्सो बी अ परफॉर्मर. I'm not really a full-time playback singer or anything like that. I believe in the pop space. Ek diva, pop singer, dancer, performer, that's my space. And I think maine usme apna naam banaya and I'm very proud about that. Sophie ji, ek aisi person yahan par hai jo 330 se aayi hui hai. Hum sabhi se yahan par pehle aakar bahut hi excited. Ye sara arrangement unhone kiya, wo aapki mama. Bahut hi zyada wo excited hai. एक्चुअली मेरी जो मॉम है, मीडिया वाले उनको जानते हैं लेकिन वो कभी सामने नहीं आती हैं. शी इज़ माई मैनेजर, माई पार्टनर इन क्राइम, और ये वीडियो उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है. तो शी इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस वीडियो. हर आइडियाज, द क्लासीनेस, द प्रोडक्शन वैल्यूज, शी इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ इट. यहाँ तक कि आई थिंक बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो बैकग्राउंड डांस